this. Yes, it's okay. अभी दिख रही होगी स्क्रीन, आप लोग चेक कर लें प्लीज. हाँ सर अभी. ओके फाइन. सो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम लोग अभी डायरेक्ट जंप करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम पर. ठीक है. सो टुडे वी विल गो फॉर वेरिएबल मास सिस्टम एंड देन लेटर ऑन वी विल गो फॉर रॉकेट प्रोपल्शन. यस हाँ बोले. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझा दो सर. प्रीवियस क्या चीज? तो जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था वो थ्रेड वाला. अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन. ओके देखो थ्रेड वाला ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक मास ए ए मतलब जो बॉल है. ठीक है दोनों आइडेंटिकल बॉल है एक्चुअली, दोनों का मास सेम ही है. ठीक है तो अ स्मॉल स्टील बॉल ए सस्पेंडेड इन एन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर 1.5 जो भी है सेंटीमीटर मीटर क्या है. फ्रॉम ओ अनदर आइडेंटिकल बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट दैट इट्स सरफेस रिमेन्स जस्ट इन कॉन्टैक्ट थ्रेड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन. राइट विद थ्रेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड थ्रेड से सेट करके आ रहा है और कोलाइड्स इलास्टिकली विद द सस्पेंडेड बॉल इफ द सस्पेंडेड बॉल जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन आफ्टर कोलिजन. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉल जस्ट बिफोर द कोलिजन. किस बॉल से ये इसको हिट करेगी. तो बस सिंपल ये इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सिचुएशन है यहाँ पे वो ये सिचुएशन है. तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बॉल है ये दोनों जब टकरा रही है तो इससे के क्लियर है लाइन ऑफ इंपैक्ट थीटा 30 डिग्री होगी. ये बात तो सब समझ में आ गई होगी. मेन आपको यहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी जे जो लाइन ऑफ ये इंपैक्ट के अलोंग विद जो इम्पल्स इम्पार्ट करेगा. तो ये जब जे इम्पार्ट करेगा तो ये इधर भी इसको जे से इम्पार्ट करेगा. तो ये क्या होगा ये वाले जे से इसी जे को जो निकाल रहे हैं जे माइनस एम वी नॉट कॉस 30 डिग्री एम वी वन हो गया. एम वी वन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हुआ और एम वी नॉट लेट वी नॉट बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन ऑफ द बॉल भी वी नॉट बॉल से आ रहा है. तो इसके कंपोनेंट से ही जे इम्पार्ट हुआ. तो जो ये मोमेंटम इसको इम्पार्ट करना चाह रहा था तो वो क्या होगा कोई एक इम्पल्स क्रिएट होगा. जैसे ही ऊपर से नीचे उतरा तो जे अप्लाई हुआ तो ये जे इसको भी अप्लाई करेगा. यही जे का कंपोनेंट जो साइन कंपोनेंट है ये ऊपर उसको उछालेगा तो स्ट्रिंग थोड़ी देर के लिए सिकुड़ेगी फिर वापस नीचे आएगी और फिर वी टू वेलोसिटी से यह फॉल करेगा ये भागेगा. तो जे साइन 30 डिग्री इसको एम वी टू क्रिएट करेगा. जे का जो ये साइन वाला कंपोनेंट है ये अलॉन्ग विद दिस ये ओरिजिनल कंपोनेंट ये वाला एम वी टू प्रोवाइड करेगा और वी वन माइनस जे ये वाला जे माइनस एम वी नॉट कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एम वी वन ये इस वाले बॉल के लिए निकलेगा. ये वी वन बॉल इसका डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है वापस एम वी वन अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट और जे साइन 30 डिग्री एम वी टू देगा और ई इक्वल टू वन होता है. ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अप्लाई करके इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व किया तो अब हम लोग की वैल्यू ये आ गई है v नॉट उसको रूट फाइव जी एल से इक्वेट कर दिया v2 को v2 v नॉट की वैल्यू निकल गई. समझ में इट इज ऑल राइट आगे बढ़े बोलो भाई. यस सर. सो न्यू टॉपिक वेरिएबल मास सिस्टम.
वेरिएबल मास सिस्टम की बढ़ेगी। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये इस कोलिजन का लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन भी इसी में आ जाएगा। वेरिएबल मास सिस्टम, तो यहाँ पे होता क्या है कि इफ अ मास इज एडेड और इजेक्टेड, यहाँ पे दो तरह की, हाँ बोलो सर, आपने क्वेश्चन समझा दिया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार अभी फिर मैं करता हूँ वापस, आप बने रहना, जो है सब लोग डिस्कनेक्ट रहेंगे, आपको लास्ट में मैं समझा के छोड़ूंगा, ठीक है बस, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाए दो, क्योंकि ये आज लास्ट लेक्चर है कोलिजन का, ठीक है। इफ अ मास, नहीं तो ये टॉपिक छूट जाएगा, इफ अ मास इज एडेड, लास्ट में मैं डिटेल समझाता हूँ उस क्वेश्चन को, डोंट वरी। इफ अ मास इज एडेड और एजेक्टेड, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। वेरिएबल मास कैसे आएगा भाई, या तो मास को ऐड करो या तो मास को सब्ट्रैक्ट करो। तो इफ मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो नहीं यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलते हैं एजेक्टेड, जैसे फ्यूल वगैरह के टर्म्स में एजेक्टेड, एजुकेटेड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एजेक्टेड, एडेड और एजेक्टेड, एजेक्टेड, ठीक है, एजेक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम, फ्रॉम अ सिस्टम, फ्रॉम अ सिस्टम एट द रेट ऑफ, किसी रेट से मास निकलेगा, तो लेट्स से कोई मास का रेट निकाल लो, तो म्यू केजी पर सेकेंड, म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, ये फैशन लिख लेगा इसलिए ऐसा लिख रहा है। एंड रिलेटिव वेलोसिटी, वी रिलेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ये जो है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ये दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर द फोर्स, तो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, तो फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स एग्जर्टेड, एग्जर्टेड बाय दिस मास, ये जो मास निकला हुआ है, क्योंकि मास कहीं से, जैसे बोट से ही कोई मास कूद रहा है तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो रिकॉइल जो वेलोसिटी रहेगी, अब ये वी रिलेटिव रहना चाहिए सिस्टम का, तो वी रिलेटिव विद सिस्टम, तो यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लेनी होती है, तो इसलिए फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस, फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस मास, बाय दिस मास, राइट, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम हैज मैग्नीट्यूड। अब देखो एकदम सिंपल बात में बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में इस सब बात को, ये आप ध्यान से देखें, इसके साथ साथ मेरे लिखते रहे, बहुत ही ईजी आएगा वेरिएबल मास सिस्टम, अदरवाइज ज़्यादातर स्टूडेंट को टफ लगने लगता है, लेकिन बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, वी रिलेटेड, राइट, यही टोटल इसका मास आएगा, जो भी अगर वेलोसिटी वेक्टर होगा जिस भी डायरेक्शन में जा सकेगा, ठीक है भाई। तो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, थ्रस्ट, थ्रस्ट समझ रहे ना, जैसे भाई थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट कहाँ लगता है, अरे भाई पानी में कोई चीज डुबो तो थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, तो थ्रस्ट फोर्स जो एक्स्ट्रा एफटी रहेगा वो हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, चूंकि वो सिस्टम में ही है तो इसलिए वी रिलेटिव लेना पड़ेगा, और इनटू डीएम बाई डीटी, ये कुछ भी हम नहीं लिख रहे हैं, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो इस बार वेलोसिटी रिलेटिव कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल गया, और मास वेरिएबल है तो डीएम बाई डीटी आ गया, कैन बी राइट, आर यू ऑलरेडी, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा ये समझो कि t इक्वल टू टी नॉट पॉइंट पर मोमेंटम है, तो अब इसके लिए मोमेंटम का सिस्टम को हम लोग देखें, तो बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, पी आई इक्वल टू पी एफ बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिखे थे, ये लिखे थे, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, आप लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, मुझे लिखना बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसलिए बाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, By using conservation of momentum, what do you say? Pi equal to Pf. तो Pi की value क्या क्या रहेगी? अब जरा समझ लो. Pi की value क्या होगी भाई? M into अब इसकी velocity v आ गई है, right?
ये तो आपका हो गया, हाँ ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जो ये वी वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, शुरू में ये वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, एम मास वी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन टी टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो टी प्लस डी टी टाइम में मास अब इसका क्या हो रहा है, एम माइनस थोड़ा सा मास निकल गया, टी टाइम में डी एम मास निकल गया। और वेलोसिटी अब क्या हुई, तो वेलोसिटी बढ़ी कि कम हुई, मास के निकलने से वेलोसिटी कम हुई कि बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ गई भाई, वी प्लस डी वी। अच्छा सब वेक्टोरियल लिखेंगे, और जो डी एम मास, जो मास निकला है जैसे फ्यूल का मास निकला है डी एम, तो वो क्या होगा, वो किससे निकलेगा, वी प्लस वी आर रिलेटिव से। होप सो यू आर गेटिंग मोमेंटम, वी आई पी वी का मोमेंटम निकल गया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं कुछ लग नहीं रहा है, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा। अब डी एम डी वी ये जो है, यस प्लीज सर, एक कंजर्वेशन है मोमेंटम वाला पार्ट नहीं समझे सर, बस अच्छा 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 पहले हो क्या रहा है, पहले से यहाँ पे देख लो मेरे पास पड़ा हुआ है क्या, ये मैं मोमेंटम के लिए डायग्राम शायद पड़ा हुआ, ये सब क्वेश्चन कराएंगे पहले से, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा लिखने के लिए। ये देखो ये जैसे ये चीज़ है ना, ये वाले इस वाले इसको इसको समझा जाए, इससे समझो जैसे ये वाले सिस्टम देखो, इसी को मैं उठा के उधर लेता चलता हूँ, ठीक है, साहब पे वैसे भी जरूरत नहीं है इसकी, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा यहाँ से। तो अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा जाए, यहाँ पे मैं वापस ले गया आता हूँ। इसी बात को समझा जाए, जैसे कि मास एजेक्टेड हो गया है, यहाँ पे मास अगर एजेक्ट हो रहा है तो इस बात को समझा जाए। देखो ये एक सिस्टम है, ये देख रहा है, ये सब लोग को देख रहा है, इसलिए मैं इसको वेक्टोरियल ले लिया। ये देखो देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से समझो, ये एक सिस्टम है, इस बात को समझाने के लिए मोमेंटम वाली बात को मैं समझा रहा हूँ। सब लोग बने रहो, यस ये अभी देखा, यस अब देखो यहां पे इसी को देखते रहो, पहले इसकी मास क्या थी, एम इंटू वी वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इस सिस्टम में। अब सिस्टम में से जो फ्यूल जो निकल रहा है डीएम फ्यूल निकल रहा है, जो यू नहीं है वो डीवी रिलेटिव वेलोसिटी जाएगी, ठीक है। तो एम में से ये डीएम मास निकल गया, फ्यूल निकल गया, तो एम माइनस डीएम हुआ बाद में फाइनल मोमेंटम, ये दिखा सबको। और v और इसके रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस dv हो जाएगा, ये दिखा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, ये पीछे निकल रहा है तो थ्रस्ट आगे की तरफ भाग रहा है ड्यू टू थ्रस्ट, और ये फिर जो dm मास है वो u वेलोसिटी से इधर जाएगा रिलेटिवली, तो v प्लस dv, और पहले से इसकी v था, तो मैं ये छोटा सा इस सिस्टम को यहां पे छोड़ दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हां सर, u opposite direction में और v opposite में, तो सर v minus u होगा ना उसकी velocity? नहीं नहीं ये चीज इसके अंदर है, ये यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने vectorially treat किया है, यहाँ पे हम लोगों ने vectorially treat किया है, ये तो मैं दिखला रहा हूँ कि ये पीछे जा रहा है, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ये एक example दे रहा हूँ, ये मैं एक example दे रहा हूँ, उसके लिए फिर minus minus करते रहना, ये मैं v plus dv सब vectorially मैं लिखा हूँ भाई, ये सारी चीजें मैं vectorially लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, जनरल मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, सब वेक्टर 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 से लिख रहा हूँ, सभी चीज़ों को वेक्टर से लिख रहा हूँ, मतलब वेक्टर में एडिशन कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कि ये तो वन डायमेंशन में हो रहा है, एक्स एक्सिस में, ये वन डायमेंशन में फिर वो माइनस से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आगे बढ़े। तो मैं जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ये तो मैं रॉकेट के लिए रखा था, रॉकेट प्रोपल्शन एक एग्जाम्पल है इसका, ये बहुत ही जनरल आइडिया में ले रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्रॉपरली, तो m इंटू वी वैक्टर प्लस m इंटू डी वी वैक्टर, ये m दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, दिखा सबको, माइनस डी एम इंटू वी वैक्टर, अब क्या होगा, ये भी वैक्टर है, यस हाँ ऐसा कटेगा, और फिर प्लस डी एम डी वी, प्लस नहीं क्या होगा, माइनस ना, तो माइनस सर माइनस है, हाँ 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 डी एम इंटू डी वी कर देगा, माइनस डी एम इंटू डी वी, ये चारों मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस इसको थोड़ा छोटा करो, डीएम इंटू डीवी
और फिर क्या होगा, ये वाले को भी लिखेंगे ना, प्लस क्या होगा डी एम इंटू वी वैक्टर, और फिर प्लस वी आर रिलेटिव, और क्या डी एम वैक्टर। अब देखो कौन कौन कैंसिल होने के लिए रेडी है, तो देखो मेरा सब कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई। तो देखो भाई यहाँ पे अभी कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, एम वी वैक्टर तो ये इसी से कैंसिल हो गया, क्यों भाई ये दोनों कैंसिल हो गया, और क्या हुआ डी एम डी वी। अच्छा डी एम डी वी जानना हो, ये क्या बहुत ही छोटा है, तो इसको निगोशिएट हम लोग कर देंगे, ठीक है। दिस इज टू स्मॉल, दैट इज निगलेक्टेड, ये फिजिक्स में कर देते हैं ऐसा, बहुत ही छोटा मास है इन लोगों के रिलेटिवली, अदर्स के रिलेटिवली। तो अभी क्या क्या बच गया अपने पास, अच्छा डी एम डी वी भी कैंसिल हो गया ना, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये देख रहा हूँ, और वी आर डी एम और ये वाला मास बच गया। तो फाइनली वॉट वी लेफ्ट ओवर हियर, देखो वी से हियर एम इंटू डी वी वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, वी आर इंटू डी एम, दोनों प्लस है, हाँ तो एक माइनस साइन लगा दो, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा इसको, क्या कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया, आगे बढ़े, और एम इंटू एम, हेलो सर, यस यस डी वी, हाँ बोलो 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 सर, ये डी एम बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दे, हाँ 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 डी एम डी वी, डी एम इंटू डी वी, और दोनों ही छोटा है, दोनों छोटा का मल्टीप्लीकेशन दोनों छोटा हो जाएगा। अरे भाई 0.001 है और 0.003 है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 0.000003 नहीं होगा, एक और जीरो आएगा, देख लेता कितना जीरो आएगा, वह बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज से एम डी वी और क्या हुआ माइनस वी आर डी एम। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, ऐसा करो टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, तो क्या लिख सकते हैं एम इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ताकि आपको पता चलता रहे क्या चल रहा है, वही थ्रस्ट फोर्स बन जाएगा अपना, और इज इक्वल टू वी आर इंटू डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी, इट्स ओके एंड लाइक दिस। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, एम इंटू डी वी बाई डी टी, और ये माइनस था ना, तो माइनस साइन को इसमें रख दो, ताकि वो पता चले कि इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है, तो वी आर इंटू डी एम बाई डी टी। सो दैटफोर वॉट बी कंक्लूड हियर, दैट इज एम इंटू दैट इज माइनस डी वी बाई डी टी, अगर कहीं ऐसा है एम इंटू माइनस डी वी बाई डी टी, और यही चीज़ तो क्या था, थ्रस्ट फोर्स था आपका, थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स एफ टी था, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव साइन से इधर उधर कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव साइन पर, एम इंटू माइनस डी बाई डी टी यही थ्रस्ट फोर्स हो गया, और जो माइनस डी एम बाई डी टी जो चीज़ है ना वो क्या है, माइनस डी एम बाई डी टी, माइनस डी एम बाई डी टी है भाई, ठीक है। तो माइनस डी एम बाई डी टी इज रेट एट विच, रेट एट विच, एट विच मास इज इजेक्टिंग, मास इज इजेक्टिंग, इजेक्टिंग, रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग, राइट। सो एफ टी, एफ टी जो फोर्स रहेगा आपका, तो वी आर रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, राइट लाइक सर, समझ में है, इज इज ऑल राइट। एफ टी जो रहेगा वो क्या होगा, एफ टी डी एम बाई डी टी, समझ में है, तो यही फाइनल फॉर्मूला बन गया आपका। सर वो माइनस क्यों हट गया, समझा नहीं, माइनस हट गया, वो माइनस साइन वो इजेक्ट वो हट जा रहा था, अरे वो मतलब थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स जो है क्या होगा, नेगेटिव के लिए है, माइनस डी एम बाई डी टी ही तो रेट ऑफ मास ऑफ इजेक्टिंग है, माइनस साइन शोज दैट इजेक्टिंग, तो माइनस को हटा दिया, और वो जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा था तो वी आर इन टू डी एम बाई डी टी आया, नहीं समझा भाई, थ्रस्ट फोर्स हमारा माइनस डी वी बाई डी एम इन टू माइनस डी वी बाई डी टी है ना, लेकिन यहाँ तो ये वैल्यू एम डी वी बाई डी टी की वैल्यू निकली है, आप ऐसे समझो ना, एम डी वी बाई डी टी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, और थ्रस्ट फोर्स होता क्या, माइनस डी वी बाई डी टी, तो आप बताओ एम डी वी बाई डी टी की वैल्यू ये रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ये वाला थ्रस्ट फोर्स, हम लोग तो ये थ्रस्ट फोर्स निकाल रहे ना, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम्स के स्टेप्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, टोटल फोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दूसरा पेज ले लो, ये नोट कर लिए सब लोग, दूसरा पेज ले लो,
स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वेरिएबल मास सिस्टम के सॉल्व करने के लिए स्टेप्स, थोड़ा ऊपर दिखाइए ना नोट करना कौन सा। अच्छा एक 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 मिनट, ये मैं लिख दूँ इसको, स्टेप्स स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे स्टेप्स लिख रहे। तो फोर स्टेप्स है। नंबर वन, पहले तो फोर्स की लिस्टिंग कर दें कि कितने कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मेन मास पर कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लिस्ट द फोर्स, लिस्ट द फोर्सेस, लिस्ट लिस्ट ऑल द फोर्सेस, लिस्ट ऑल द फोर्सेस, लिस्ट ऑल द फोर्सेस, लिस्ट द फोर्सेस, ठीक है। आप लोग चाहे तो लिख लें लिस्ट ऑल द फोर्सेस, लिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मेन मास, एक्टिंग मेन मास पे, ऑन मेन मास, पहले तो ये आप निकाल लें, ठीक है। पहला स्टेप ये रहेगा मेन मास पे। अभी क्वेश्चन सब इसी तरह से करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, अप्लाई एन एडिशनल थ्रस्ट, अप्लाई अप्लाई एन एडिशनल थ्रस्ट, एडिशनल थ्रस्ट, ठीक, अप्लाई एन एडिशनल थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स भी बल्कि वो क्या होगा, वही जो एफ टी है, एफ टी ऑन द मास, ऑन द मास, किस मास पर, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कैसे होगा, वी आर रिलेटिव ले लोगे, और जैसा भी हो निकल रहा है मास तो बाहर माइनस डी एम बाई डी टी, और आ रहा है मास इंक्लूड हो रहा है तो प्लस डी एम बाई डी टी, दोनों तरह के भी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मॉड ले लेना, डी एम बाई डी टी मॉड, ठीक। और अच्छा डायरेक्शन को भी देख लेंगे, एंड अच्छा वी आर का जो डायरेक्शन है ना वो देख लेंगे, अगर हम लोग ये इसमें क्या ले रहे हैं, मास इंक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ मास इंक्रीजिंग, अदरवाइज डायरेक्शन वी विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वी आर वाला जो डायरेक्शन है वो देख लेंगे, मतलब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं कि जो वी आर है ना, अच्छा इसको ये प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट लगा दो, तो मल्टीप्लाई है, तो वी आर पहले इसको हटा दो, ये मैं एक्स से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये ब्रैकेट लगाएं, इसको ब्रैकेट लिख लिया और ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो प्लस माइनस ले ले रहे हैं ये, अब आप ये समझ लेंगे कि वीआर के डायरेक्शन में ही अगर मास ले रहे हैं, मतलब ये जो है ये पूरा जो रिजल्ट है ना, ये जो एफटी वाला थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स वीआर के डायरेक्शन में अगर हम लोग ले रहे हैं, कब लेंगे, जब मास इंक्रीज करेगा, इफ मास इज इंक्रीजिंग देन यू हैव टू कंसीडर दिस थ्रस्ट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वीआर, और इन द केस ऑफ मास डिक्रीजिंग that way that we have to consider the direction of minus vr, ठीक है। तो मैं लिख दूँ इस बात को कि समझ गए, समझाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक, इसको लिख दूँ कि समझ गए, चलो सर लिख दीजिए, लिख दे इस बात को, चलो इसको लिख देते हैं, इस बात को भी मैं लिख देता हूँ, तो ये ऐसे लिखेंगे कि apply an additional थ्रस्ट फोर्स लिखा ना, एफ टी ऑन द मास, एफ टी वैक्टर ऑन द मास, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये मैग्नीट्यूड ये होगा, ये थ्रस्ट का जो है ये सीधा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई, मतलब ये तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड, किसका, थ्रस्ट का, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन का रहा सवाल, तो डायरेक्शन इज गिवन बाई, डायरेक्शन इज एक्चुअली फोर्स, थ्रस्ट फोर्स वैक्टर क्वान्टिटी है, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन इज गिवन बाई, गिवन by the direction, given by the direction vr, जो relative velocity है vr, in the direction of direction is given by in the direction of vr, in the direction of vr, vr के direction में लेंगे, किसका, force का, तो thrust force का जो direction is given by in the direction of vr, vr in case, in case the mass is increasing, in the case the mass is, अगर mass increase कर रहा है, mass is increasing, ये चलेगा ना, ऐसे मैं लिख दिया increasing, ठीक है,
ये मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में से मैथ्स लिखाता है, ठीक है, और इंक्रीजिंग, और इन केस ऑफ मासेस डिक्रीजिंग तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ले लो भाई, ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम लोग इसको, ये थर्ड बार दिक्कत कर रहा है, ठीक, यस, तो वी आर इन केस ऑफ द मासेस इंक्रीजिंग, राइट, और फिर क्या लिखेंगे, एंड अदरवाइज, बस, एंड अदरवाइज डिक्रीजिंग, अदरवाइज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ माइनस, माइनस वी आर इफ इट इज डिक्रीजिंग, इफ इट इज, इफ इट इज डिक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग मतलब मास जो है डिक्रीज कर रहा है, तो हो जाएगा ना, इतने से समझ जाएंगे। अच्छा, स्टेप थ्री देखो जल्दी से, स्टेप थ्री क्या है, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, इसको लिखेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मास, ऑन द मास एंड अप्लाई, एंड अप्लाई, एंड अप्लाई एफ नेट, वही जो फॉर्मूला निकाला है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, और एम इज द मास ऑफ पर्टिकुलर, मतलब ये इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मास है, एम जो है इज मास एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मास एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसका मास एम है, क्लियर। और फोर्थ क्या रहेगा, फोर्थ बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्या करना है, बहुत ही ईजी बात है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, तो इंटीग्रेट इट विथ प्रॉपर लिमिट, बस ये तो लिखते ही, विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट्स टू फाइंड, टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, एनी, ठीक है, टाइम, क्लियर है। अच्छा, तो मोस्टली यहाँ पर जो मैं वेक्टर लगा दिया हूँ, तो अभी तक जेई में जितने भी प्रॉब्लम पूछे गए वन डायमेंशन में ही प्रॉब्लम पूछे हुए हैं भाई, ठीक है, इसलिए मैं ये एग्जांपल जो बनाया था वहाँ पे क्वेश्चन में, ये वन डायमेंशन के लिए ही बना रहा था, अदरवाइज टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन में भी चैनल ओपन है, कहीं भी जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बट यू हैवन टू बॉदर अबाउट दैट, ये आपको वन डायमेंशन मोशन में ही क्वेश्चन बनेगा जो है, तो इसके लिए एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लिया ना, ये क्वेश्चन रहेगा, ये तो बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए तो ये क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से आप लोग फटाफट। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मास का एडिशन चल रहा है कि दोनों बातें हो सकती हैं, निकल भी सकता है, और ये क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों, अ फ्लैट कार ऑफ मास एम नॉट स्टार्ट्स मूविंग एट द राइट, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है, सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार, क्लियर, सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम अ स्टेशनरी हॉपर, ऊपर एक हॉपर लगा हुआ है, द रेट ऑफ लोडिंग इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लैट कार इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो सभी लोग कर लेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, वही फोर स्टेप प्रॉब्लम, चलो तो लेट मी डू दिस, एक प्रॉब्लम दूसरा आप लोग करेंगे, तो एक पहले कोई ट्रॉली बना लेंगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे भाई, एक ट्रॉली बना लेंगे, इसको एक ट्रॉली बना लेंगे, और लाइक दिस, ठीक, एक छोटा छोटा
ठीक है, बॉलिंग बॉलिंग ठीक है, तो ये बस लगी हुई है ट्रॉली, ठीक है, यही वाली ट्रॉली है आपकी। और इसका जो मास है वो क्या है, देखो एम नॉट मास है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, एफ फोर्स है, क्लियर है, और टी इक्वल टू जीरो, राइट। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ है कि इस ट्रॉली का क्या हाल हुआ है, थोड़ी देर बाद ये ट्रॉली यहाँ पे आ गई है, इसको हटा देना, एम मास लग रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये फोर्स एफ हटा दो, पहले जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब हम लोग अकाउंट कर लेंगे, तो वही एफ ही फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो अब इसमें जब इसे मटेरियल और ज़्यादा हॉपर से आ गया, ये वाला मटेरियल जो है यहाँ पे, ये सपोज ये हॉपर से आ गया मटेरियल आपका, ठीक, ये मटेरियल गिर गया, ठीक, ये वाला मटेरियल, तो उसके ऊपर हॉपर के ऊपर जो है खूब सारे मटेरियल, हॉपर से मटेरियल गिर गया, तो इसमें एक फोर्स लगने लगा, वो क्या होगा, दैट इज थ्रस्ट फोर्स। अब ध्यान से देखो भाई, ये t इक्वल टू किसी t टाइम पर हुआ था, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हुआ, f फोर्स, तो अभी भी ऐसे ही लगेगा, वो हटाना नहीं चाहिए था, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे जो मास आ गया आपका वो m नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ t हो गया, क्योंकि म्यू किलोग्राम पर सेकंड से फोर्स आ रहा था, देख रहा हूँ, म्यू किलोग्राम पर सेकंड से फोर्स आ रहा है, सॉरी मास आ रहा है, राइट। तो अभी dm बाई डी टी, चलो तो dm बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डीएम बाई डी टी क्या दिया हुआ है, म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, ये सबको समझ में आया, म्यू किलोग्राम पर सेकेंड। तो थ्रस्ट फोर्स एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, बस डायरेक्ट कुछ भी नहीं, वी आर रिलेटिव डीएम बाई डी टी, देखा। और ये क्या, ये किस तरफ हुआ, ये किस तरफ हुआ, डीएम बाई डी टी की वैल्यू म्यू है, तो म्यू इंटू वी कर दो, अच्छा कैसे हुआ, ये बैकवर्ड्स हुआ, तो बैकवर्ड बैकवर्ड लगा भाई, ठीक है। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन का ही प्रॉब्लम हो गया, सिंपल। तो अभी इसमें नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन द फ्लैट कार क्या हो जाएगा भाई, एम इंटू डी वी बाई डी टी, राइट, इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी हो जाएगा, क्यों भाई, ये एफ फोर्स है और ये वाला जो है म्यू वी हो गया, तो एफ माइनस म्यू वी, और यही चीज तो जो है क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दैट इज एम के जगह पर इंस्टेंट, एम इंस्टेंट, इस समय किसी इंस्टेंट पर एम की वैल्यू क्या हो रही है, एम की वैल्यू क्या हो रही है, एम नॉट प्लस म्यूटी, तो ये उठा करके इसमें रख दो, एम नॉट प्लस म्यूटी हो गया, आर यू गेटिंग, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू वी, इज दिस ऑल ओके, इज दिस ओके, और यू ऑल, यहां तक बात समझ को समझ आई, ये स्टेप थ्री तक yes, हो गया sir. आपका। अभी देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया भाई, ये v है, यहाँ भी v है वेलोसिटी, तो dv अपॉन वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, तो f माइनस म्यू v, ये म्यू और f कांस्टेंट है, f फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, और यहाँ पे dt को इसको उधर लेकर के भाग जाओ, तो dt इज इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू t, नाउ इट्स रेडी टू इंटीग्रेट, तो अब विद प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट कर दो, तो जीरो से लेकर के v तक, और यहाँ पे जीरो से लेकर के कहाँ तक, t तक, राइट। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल, अगर मान लो एफ वी नहीं रहता केवल डी वी बाई वी रहता तो लॉग हो जाता, तो अभी ये ए एक्स प्लस बी है, तो देफो व्हाट वी से ये माइनस 1 बाई म्यू एक्स वी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, एलन ऑफ एफ माइनस म्यू वी, एलन ऑफ एफ माइनस क्या लिखेंगे, एलन ऑफ एफ माइनस म्यू वी, राइट, एक्चुअली ये मॉड ले जाते हैं, कोई बात नहीं, जीरो टू वी लिख देंगे, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा भाई, वन बाई म्यू एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है, एक्स प्लस बी बताए थे, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, तो एलन ऑफ, हाँ एलन ऑफ क्या लिखेंगे जल्दी सब लोग, एम नॉट प्लस म्यू टी, ये तो सब लोग समझ पा रहे होंगे जहाँ तक हम समझ रहे हैं, और जीरो से लेकर के टी तक, राइट, अपर लिमिट लोअर लिमिट वगैरह रख दो सब फटाफट, तो क्या हो गया भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा हम लोगों ने, तो वैल्यू आ गई वन बाई म्यू, और ln ऑफ जब यहाँ पे v रखे ना, तो f माइनस v आएगा, नेगेटिव साइन को मैं अंदर इंसर्ट कर दूँ,
तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये एफ माइनस म्यू वी, एफ माइनस म्यू वी। अब मैं नेगेटिव साइन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव साइन को मैं हटा दिया, वो लॉग चेंज हो गया, ठीक। और ये जब जीरो रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला था वो न्यूमिनेटर में आ गया, तो एल एन एफ अपॉन दिस आ गया। इज दिस ऑल ओके? ये नेगेटिव साइन मर्ज हो गया इसके अंदर, ये सबको समझ में आया। और यहाँ भी ऐसे ही है, वन बाई म्यू, यहाँ तो नेगेटिव साइन है नहीं, तो टी लिखो भाई, तो चलो भाई, तो एल इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी लिख दोगे, ठीक है भाई, एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी लिख दिया, ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में। अच्छा, दोनों तरफ एल एन है, ये वन बाई म्यू है, तो वन बाई म्यू फॉर, इधर भी वन बाई म्यू है ना, हाँ, m not plus mt by m not आएगा ना, क्या क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, m not भी आएगा, yes, correct, correct, good, good. क्योंकि जब जीरो रखोगे ना तो m not बन जाएगा, करेक्ट, गुड, l इक्वल टू m not। अब देखो वन बाई म्यू तो ये दोनों तरफ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, और एल एन को एंटी लॉग ले लो, अच्छा हो तो आप जो भी समझो। अब f अपॉन f माइनस म्यू वी, f माइनस म्यू वी, अच्छा देखो ये एल एन को एल एन से काटते नहीं है, इसको बोलते हैं एंटी लॉग लिया गया, ठीक है, ये छोटी सी बात है, बता देता हूँ, m नॉट प्लस म्यू टी, जैसे आप लोग समझदार हैं, और अपॉन m नॉट, और फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको सॉल्व करो फटाफट, तो v की वैल्यू बस निकालनी है, तो v की वैल्यू निकाल लो, f इंटू एम नॉट, और ये एफ एम नॉट कट गया, म्यू टी, वी म्यू कॉमन निकाल लो, v से डिवाइड करो, तो क्या देगा फाइनली, दैट इज एफ टी, ये वाला एफ टी देगा, तो म्यू से डिवाइड होगा, तो एफ टी अपॉन क्या लिख देंगे, एम नॉट प्लस म्यू टी, एम आई राइट, इट इज ऑल ओके, सब लोग समझ में, यही अपना आंसर है। अब इक्वेशन वन में अगर आप देखो, ये वाला जो इक्वेशन वन और डाल दो इसको, इसी वाले को इक्वेशन नंबर वन डाल दो, ठीक, इक्वेशन वन से देखो, ये जो डी वी बाई डी टी था ना इक्वेशन वन में, यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो वो डी वी बाई डी टी अगर वहाँ पे, तो वहीं से एक्सेलेरेशन निकाल लो भाई, तो डी वी बाई डी टी की तो एक्सेलेरेशन था कार का, क्यों, इक्वेशन वन में डी वी बाई डी टी तो एक्सेलेरेशन था कार का, तो अभी क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, बोलो, एक्सेलेरेशन वहाँ से, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से आप एक एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, फ्रॉम वन यू कैन फाइंड एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन दैट इज, मैं ए ही लिख दिया, एक्सेलेरेशन ए कहीं यूज नहीं किया गया, देखना एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्लैट कार क्या हुआ, डी वी बाई डी टी ही तो है, तो वहाँ पर बस एम से डिवाइड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस f माइनस म्यू वी अपॉन क्या लिख दोगे, m लिख दोगे, ठीक है भाई। तो अब चूंकि हम लोग ने v की वैल्यू निकाली है, तो v की वैल्यू इसी में डाल दो, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, एक्सेलेरेशन निकालना था ना, तो f माइनस, अब म्यू तो ऐसे ही रहना दो, अच्छा v की जगह पर क्या आएगा, एफ टी, v की जगह पर आ जाएगा आपका एफ टी अपॉन क्या आया है, एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन, ये देखो ये म्यू हो गया, ये वी की जगह वैल्यू इसमें हमने डाल दिया, तो अभी क्या है, यही वाली वैल्यू इसमें रख देना, ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, एम, अच्छा एम के जगह पर क्या होगा, दैट बी से एम के जगह पर यही वाला रख दो, नहीं ये तो है यानी एम नॉट प्लस म्यू टी, एम नॉट एम इस इंस्टेंट पर है, तो एम नॉट प्लस म्यू टी ही रख देंगे एम के जगह पर, ठीक है। हेलो सर, हाँ तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू सॉल्व कर लो, हेलो, हाँ बोलो सर, वो ऊपर का आपने क्लास वाला पार्ट क्या है, बोलो बोलो, बताइए ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी बस 10 मिनट में फ्री हो जा रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, तुम बोलो, क्या बोल रहे थे, कुछ आप बोल रहे थे सर, यस सर, यही क्वेश्चन में ऊपर अपने थ्रस्ट का पार्ट कर रहे हैं ना, फिर से बता दीजिए ना, थ्रस्ट के पार्ट बहुत ही इजी है यार, ये थ्रस्ट, ये थ्रस्ट है, थ्रस्ट का फॉर्मूला तो ये इसकी बात आप कर रहे हो, वी आर डी एम बाई डी टी, ये तो पहले ही डराइव किया हमने फॉर्मूला, वी आर म्यू रिलेटिव वी वेलोसिटी लिख दिया, और डी एम बाई डी टी ये जो आ रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, थ्रस्ट ये जो ये फॉर्मूला डराइव किया वही है, और यहाँ पे नेट फोर्स लिख दिया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा, एफ माइनस म्यू वी, आप देखो ना यहाँ पे एफ माइनस म्यू वी, एफ माइनस ये थ्रस्ट वाला फोर्स हो गया, म्यू वी हटा दिया, और यहाँ पे बस मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा, नहीं समझे, और इसी को इंटीग्रेट कर दिया। अब चलो जल्दी से रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक ओवर हो, ये जो है इसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन देखेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन में भी क्या होता है, या आप देखें रॉकेट प्रोपल्शन का डायग्राम बनाए, हाँ बोलिए, यस सर, रॉकेट प्रोपल्शन अगले में पढ़ते हैं ना अच्छे से,
नहीं, अभी वो फिर वो लास्ट लेक्चर है वो कोलिजन में, फिर वो देंगे नहीं लेक्चर का कोलिजन के लिए, तो अभी आप पढ़ लीजिए रॉकेट प्रोपल्शन। तो कहेंगे टाइम कितना है, टाइम 5 मिनट में हो जाएगा रॉकेट प्रोपल्शन, देख लीजिए आप। 2 मिनट का वीडियो दिखला देंगे, 5 मिनट में आप पढ़ाई कर लेंगे। देखिए ये सामने आपका रॉकेट प्रोपल्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए प्लीज, अभी क्लास नहीं ना है। हाँ तो रॉकेट प्रोपल्शन का देख लीजिए, रॉकेट प्रोपल्शन में होता क्या, पहले ये भी जानना जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं वो, रॉकेट किस तरह से टूटता है, रॉकेट क्या क्या पार्ट में स्प्लिट करता है, ठीक है। तो रॉकेट में कहाँ पे पेलोड कहाँ पे होता है, आदमी लोग कहाँ बैठता है, इधर जैसे आदमी बैठता है आगे, और फिर वो कंप्यूटर्स कहाँ रहते हैं, कहाँ से रॉकेट स्प्लिट करता है, फ्यूल कैसे रहता है, ये सब अभी हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन में डिस्कस करते हैं डिटेल एकदम। रॉकेट प्रोपल्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, तो हम लोग को तो यही पढ़ना है थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है रॉकेट में, वर्क जो इसमें वेट कितना होता है एम जी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट प्लीज होल्ड। हेलो हेलो, हाँ मैम प्लीज कैन यू कॉल, कैन यू कॉल एम जी। हाँ देखिए भाई आप लोग जल्दी से, ये रॉकेट का हुआ तो रॉकेट का एक छोटा सा बस वीडियो जल्दी से आप लोग देखें फटाफट, कहाँ गया ये देखिए, ये देखिए, आर यू ऑल कनेक्टेड, यहाँ पर देखिए आप फोर मेजर सिस्टम्स हैं यहाँ पे, राइट, वन ऑफ देम इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बन सकता है, इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो मैं प्रोपल्शन पे क्वेश्चन लूंगा, पहले इस पर भी एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बना करके मैं दिखलाऊंगा आपको, ठीक है, इसी के लिए मुझे ये वीडियो दिखलाना था। तो पहले तो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, नेक्स्ट देखिए, यहीं पे फ्यूल भरी जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रोपल्शन सिस्टम, इसी प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, यहीं से मास डिटैच होगा, ये पेलोड सिस्टम है जो रॉकेट में जिसको भी जाना होता है, जहां भी रॉकेट से जाना रहेगा वो यहीं पर बैठेंगे ये लोग, यानी अगर आपको रॉकेट से कहीं जा रहे हैं तो आप कहां पे बैठेंगे इसमें, यही पेलोड सिस्टम पर ही बैठेंगे। Anything a rocket is carrying into space, like a spacecraft, satellite, or human being. Lastly, the इस जगह पे सारे आपके कंप्यूटर्स और सारे जितने भी ग्राफिक्स वगैरह सब जो भी लेकर के जाएंगे, जो मॉनिटर करेगा जिस जगह पर जाने पे, वो यहाँ पे बैठेगा गाइडेंस सिस्टम में। Guidance system is made up of radars and computers that provide stability for the rocket and control maneuvers and flight. In order to launch into space, ये टोटल 4 सिचुएशंस जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोपोर्शन पेलोड और गाइडेंस, ये हम लोगों को मेन प्रोपोर्शन के लिए अभी पढ़ना है, लेकिन इन चारों पर भी कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन बन सकते हैं जेई में। यहाँ पे देखो ये जो थ्रस्ट लग रहा है, ये जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, इसी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम में यही चीज आ रहा है, ये चीज निकल रहा है बाहर। Once the rocket generates more thrust than its own weight, it lifts into the air to begin its powered ascent. During this, यही चीज इसको दे रहा है पावर ऊपर उठने के लिए, ठीक है? The flight, the weight of the rocket will constantly change as fuel continues to burn off. As a result, most space-bound rockets use a technique called staging to reduce dead weight and increase efficiency. यहाँ पे सब सिस्टम डिटेक्ट हो रहा है, ये पूरा कट गया, अब ये गाइडेंस सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा।
fine. So in this system, we have to go for the position system. अब देखे भाई, तो rocket propulsions हाँ yes सर, जब भी सर rocket का fuel मतलब बहुत होता है, हाँ सर maximum temperature कितना होता है सर? अब वो तो temperature तो ज़्यादा है यहाँ पे, आपको अभी इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे जाए, यहाँ पे ये देखिए ये फ्यूल है, यहाँ पे जो है जो भी है 10 किलोग्राम पर सेकंड से जो है फ्यूल बर्न हो रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो है, बट लेकिन थोड़ा सा हमको टाइम दें और ये मैं इसको कम्प्लीट कर दूँ, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को जो है फटाफट, ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ टाइम दें, तो लेट मी कम्प्लीट दिस रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम की वेडिंग, राइट, सो वेडिंग प्रोपल्शन समझ रहे हैं कहाँ पे आया था, याद आ रहा है प्रोपल्शन, ओके सो रॉकेट प्रोपल्शन, अब इसको पढ़ लिया जाए, तो रॉकेट प्रोपल्शन में हो रहा क्या रहा है कि पहले तो ये इस तरह का कोई एक मास, वो जो आगे की तरफ था जहाँ पे प्रोपल्शन चल रहा था, तो लेट दैट बी से दिस मास वाज इसका ऐसे रॉकेट था, ठीक है, चलो ऐसे बना लेते हैं, और ये क्या है इनिशियली यू वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, मेन जो लोग पढ़ना है, और ये एम नॉट है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो राइट, वी इक्वल टू यू यू नो एंड दैट इज एम इक्वल टू एम नॉट, ये इनिशियल में वही वेरिएबल मास सिस्टम गया, ठीक है भाई, अब ये क्या हुआ कि जब रॉकेट ऊपर गया और फ्यूल एजेक्ट हो रहा है बाहर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, वी हो गई, राइट, तो इसमें एक फोर्स कोई क्रिएट हुआ, वो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, ये कौन सा फोर्स हुआ, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा और ये W से नीचे आ रहा है, कौन, ये जो इसका फ्यूल बाहर आ रहा है, इट्स क्लियर, और M मास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है M मास की, तो यहाँ पे M नॉट माइनस म्यू इंटू जो भी है टाइम की म्यू टी, तो टी बाहर निकल गया लेकिन आप सब लोग समझ पाएंगे, ये M नॉट माइनस म्यू टी हो गया, ठीक है, कब हुआ, एट टाइम t इक्वल टू t पर, t इक्वल टू जीरो टाइम पर था यहाँ पे, और t इक्वल टू t टाइम पे m इक्वल टू, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m इक्वल टू m नॉट माइनस म्यू टी हो गया, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t वेरिएबल टाइम पर, ठीक है, तो और यहाँ पे एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो इसकी रहेगी, एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी रहती है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज वी टी, छोटा सा लिख देंगे या v ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी दैट इज v, मतलब वो एक्चुअली वो v रिलेटिव वाला हो गया, तो वी आर लिखते ना, v रिलेटिव भी हम यूज करेंगे, तो एट v इक्वल टू v, एट v इक्वल टू वेलोसिटी v, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, तो फर्दर अभी जैसे वो बनाने के लिए बताया गया था, तो लेट माइनस dm बाई डी टी, माइनस dm बाई डी टी, ये वाली जो ये दिस मास इज द मास ऑफ दिस गैस इजेक्टेड, ये जो गैस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो गैस है पूरा, ये वाला गैस जो निकल रहा है यहाँ पे, तो दिस इज द बी द मास, बी द मास, ठीक है, ऑफ द गैस इजेक्टेड, ऑफ द गैस इजेक्टेड, इजेक्टेड, जल्दी लिखना है, तो इस तरह से तो अभी कौन कौन से फोर्सेस इसमें अप्लाई हो रहे हैं, सारे फोर्सेस को हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा, और वी आर आर दैट इज यू से कांस्टेंट है, जो वी आर ये वाली है वेलोसिटी, ठीक है, तो पहला जो फोर्स लग रहा है ये अब हम लोग को एट टाइम टी पर हम लोग को देखना है, तो थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, तो थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, थ्रस्ट पहला वाला, ये थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, तो थ्रस्ट फोर्स कितना हुआ भाई, तो दैट इज एफ टी इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स, बताइए क्या होगा, वी रिलेटिव, वही वाला बात, और एजेक्ट हो रहा है माइनस डी एम बाई डी टी, ये सब लोग समझ पा रहे हैं,
ये सब लोग समझ पा रहे हैं ये कैसे है? किधर की तरफ बनाया, अभी ऊपर देखो डायग्राम बनाया, अपवर्ड्स भाई, थ्रस्ट अपवर्ड ही होगा तभी ना रॉकेट ऊपर भागेगा, रॉकेट को नीचे थोड़ी भागना है, थ्रस्ट रॉकेट ऊपर ये थ्रस्ट लेकर के भाग रहा है, ठीक है भाई। और नंबर टू, अच्छा इसका बहुत मैसिव वेट होते हैं बड़े बड़े रॉकेट्स के, डब्ल्यू ई वेट, वेट ऑफ द रॉकेट, वेट ऑफ द रॉकेट, यू नो, सो व्हाट इज द वेट ऑफ द रॉकेट दैट लेट्स से डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मास एम जी, ठीक है, वेट ऑफ द रॉकेट इज एम जी। अच्छा ये किधर है भाई, डाउनवर्ड्स, अभी देखो ये सब इक्वेट करेंगे, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी थर्ड, थर्ड और का कौन सा फोर्स लग रहा है आपको, तो नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, सो नेट फोर्स, यू नो, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, मेन यही चीज है, यही इसकी मेन साइंस है, रॉकेट साइंस जिसको आप लोग बोलते हैं, बहुत ही ईजी होता है ये, ठीक है, हर जगह आप लोग सुने होंगे, देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड रॉकेट साइंस, तो नहीं है ये, रॉकेट साइंस बहुत ही ईजीएस्ट साइंस है, तो एफ टी माइनस डब्ल्यू, बस यही तो नहीं सी बात है, ठीक है भाई। और दैट इज ये फाइनली क्या कि क्या होगा, एफ नेट भाई, दोनों का इन दोनों से ये वेट को काउंटर करके ये फोर्स बढ़ा रहेगा, तभी तो ऊपर उठा देगा, यानी अपने वेट को ही बस काउंटर कर देना होगा, ये दोनों फोर्स वेट को ही काउंटर कर रहे हैं, यही नेट फोर्स लग रहा है। और ये कैसे किधर होगा, अपवर्ड्स होगा, फोर्स अपवर्ड्स होगा भाई, तभी तो रॉकेट ऊपर भाग रहा है, तो चलो भाई अपवर्ड कर दिया, तो अब इसमें वैल्यूज फिट कर दो फटाफट, बस आंसर आ गया, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही ये वाला वी रिलेटिव, इसमें वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू उसमें उठा कर रख दो, माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है भाई, यही बस करना है आपको। और माइनस अब डब्ल्यू का जो वेट है, जो भी इसका रॉकेट का मास एम है, और ये जी एम जी ग्रेविटी को जब तक नहीं छोड़ा तब तक ऐसे ही लग रहा है ये फोर्स। अच्छा फोर्थ वाला जो पॉइंट है क्या है, नेट एक्सेलरेशन ऑन द रॉकेट क्या होगा, अगर ये मान लिया पूछा जाए, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑन द रॉकेट, इसी से एक्सेलरेट करके भागेगा रॉकेट, तो नेट एक्सेलरेशन ऑन द रॉकेट, यू नो, सो दैट व्हाट वी से हियर, क्या लिखेंगे, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू दैट इज वी आर, वी आर माइनस डी एम बाई डी टी, वी आर इज माइनस डी एम बाई डी टी और माइनस एम जी, ठीक है भाई, ओके, तो नेट फोर्स ही हो गया ना भाई, इससे में हमको क्या करना है, वी से डिवाइड कर देना है, मास से डिवाइड कर दीजिएगा बोथ साइड, तो अब आपका आ जाएगा, इधर भी मास से डिवाइड कर दो और इधर भी मास से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ और नहीं, ये डी वी बाई डी टी हो जाएगा, यही ना हुआ भाई, नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन, एक्चुअली नेट एक्सेलरेशन निकालना था, तो जो ऊपर वाले रिजल्ट में मास से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो अभी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बस वी आर बाई एम, और ये क्या होगा, माइनस डी एम बाई डी टी, माइनस डी एम बाई डी टी, राइट, और यही वाली बात। और अच्छा अभी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो इसको लगा लिखना पड़ेगा माइनस जी, जस्ट वेट, एक लाइन और लिखना है, माइनस जी, राइट, और फिर ये क्या होगा, अभी देखो भाई डी टी से डी टी कैंसिल कर दो, तो डी टी से डी टी कैंसिल कर दिया, तो अभी ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का इक्वेशन हो गया, तो डी वी इज इक्वल टू वी आर, ठीक है, और क्या था, वी आर बाई एम, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस डी वी, अच्छा डी टी यहाँ पे फंस गया, तो आपका आ जाएगा माइनस जी डी टी, डी टी यहाँ पे आ जाएगा, क्यों भाई, डी टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये फिर से, राइट, और अब क्या होगा, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना, नॉट इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल टाइप, और ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, एक मिनट छोटी सी गलती हो गई, ये डी टी डी टी लिख दिया हमने, तो इसलिए गलत हो जाता है सर, हाँ 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 डी एम बाई डी टी है सर, करेक्ट 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 सर, आपको जो मास होगा उसमें वेरिएबल मास होगा ना, एम नॉट माइनस यू टी वाला, हाँ 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 पहले इनिशियल वाला मास तो जो है ये, हाँ वो तो रहेगा ही, ये एम अभी वेरिएबल मैं लेकर के चल रहा हूँ, डीएम भी मास है, तो डीएम बाई एम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो अभी एम नॉट से लेके एम तक इंटीग्रेट करेंगे, अभी बता रहे ये थोड़ी सी गलती हो गई है, देखिए लेट मी मेक इट करेक्शन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा जल्दी वाली होगी, ठीक है, तो लेट मी मेक तो डी वी बाई डी टी हो गया भाई आपका, और वी आर बाई एम हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस डी एम होना चाहिए था, और अपॉन डी टी, तो डी एम बाई डी टी जब रहेगा, डी टी अभी लिखा है ना, हाँ तो डी टी
अगले स्टेप में डी टी के कैंसिल करेंगे तो ये एम कर दे, अभी क्लियर है, डी एम हो गया, तो डी एम बाई एम आ गया, डी एम बाई एम। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे तो बस अभी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जो अभी लॉन्चिंग वेलोसिटी जो भी आपकी आ रही है, तो मान लो यू वेलोसिटी से लॉन्च किया गया, इनिशियल में इनिशियली दिया गया था यू की नहीं लिखे थे, ये इनिशियल यू वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था, इसी बोल रहे हैं लॉन्चिंग वेलोसिटी यू, यू से दिया गया और अब इसकी वेलोसिटी वी हो गई किसी स्टेट पर। और फिर जो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पर वी आर को बाहर निकाल लेना चाहिए था, तो यहाँ पर m नॉट से लेकर के m तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और रहा सवाल इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो 0 से लेकर के t तक प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी क्या आ जाएगा, वी आर ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और डी एम बाई एम मास जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका एल एम ऑफ, ये देखो वेरिएबल से मैं चेंज कर दूंगा, नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दूंगा, अपर लिमिट रखते हैं तो एल एन ऑफ क्या लिख दे रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट को पहले लिख दे रहा हूँ और अपर लिमिट को नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। समझ में आया सबको, ये एम नॉट अपॉन एम कर दिया, नेगेटिव साइन एडजस्ट हो गया इसमें। और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस जी टी हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका वी माइनस यू, ठीक है भाई, बराबर है, बात समझ में आ रही सबको, वी माइनस यू, यू को ट्रांसपोज कर दीजिए तो वी इक्वल टू क्या हो गया, यू माइनस जी टी, वही देखो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन चल रहा है, और वी यू माइनस जी टी और प्लस ये वाला आपको उठा करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, वी आर इक्वल टू एल एन इन टू एम नॉट अपॉन एम, बस यही आ गया, यही थ्रस्ट वाला वर्क कर रहा है। अभी आपका क्लियर हुआ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, जो भी है वन टू क्या डाले थे, इक्वेशन नंबर ये वन आया, ठीक है भाई। तो वी निकल गया, अब बस अच्छा नोट पॉइंट इसमें यह है कि आपको एफ टी पर ध्यान देना है, और यहाँ पे अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया जाए, ग्रेविटी को इग्नोर किया जाए तब क्या होगा, और अदरवाइज ये अपवर्ड ऊपर कैसे लेके जा रहा है, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक सबको समझ में आया, तो बस एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये वाली टॉपिक ओवर हो जाएगी। तो अ रॉकेट विद एन इनिशियल मास दैट वी से 1000 kg is launched vertically upwards from rest under gravity. The rocket burns fuel this. तो बस वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बस, जो अभी अभी आपने अप्लाई किया है, ठीक है। V equal to U minus GT, और क्या लाए थे, प्लस की माइनस क्या था, देखिए फॉर्मूला क्या था भाई, क्या डिराइव किया गया, प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम, ठीक, प्लस वी आर एल एन क्या था, एम नॉट बाई एम, आर यू ऑलरेडी, यहां समझ में, यहां रिक्विसाइट डेटा फिट कर दीजिए। तो यू क्या था, इनिशियल मास रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट से कर रहा है, तो रेस्ट से कर रहा है तो यू को क्या लेंगे, जीरो, ये देखो ये रेस्ट, ये रेस्ट है ना, तो दैट्स व्हाई यू को क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, समझ में, रेस्ट से आ रहा है, क्लियर है। तो यू को मैं क्या ले रहा हूं, जीरो ले रहा हूं, और टी इक्वल टू क्या सर, अभी जब एफ थ्रस्ट इक्वल टू एफ जी हो जाएगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना, थोड़ा धीरे से बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं सर, जब भी एफ थ्रस्ट वेट के इक्वल हो जाएगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा ना, हां हां। तो रेस्ट अंडर द ग्रेविटी, द रॉकेट बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकंड है, तो जब 10 किलोग्राम पर सेकंड, अच्छा टाइम कितना लग रहा है इसमें, टाइम कहां गया, सो 1 मिनट 60 सेकंड्स, हां कहां है, अच्छा 1 मिनट, यस हां 60 सेकंड, तो टाइम कितना हुआ, 60 सेकंड्स लिख लेंगे, करेक्ट, बढ़िया बात। और फिर g को क्या लिखेंगे, अनडाउटेडली 10 लिखेंगे, ये लिखा भी हुआ है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या डालना है वैल्यू हम लोग को, v की वैल्यू क्या है, 2000 मीटर पर सेकंड, सर वी आर बर्न इजेक्टेड, वी आर रिलेटिव, वी आर रिलेटिव जो हम लोग को लेंगे 2000 यू से मीटर पर सेकंड से फ्यूल बर्न हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, यहां बोले यस एम नॉट, लेट मी कंप्लीट दिस, एम नॉट इज इक्वल टू 1000 kg, 1000 kg व्हिच वाज द मास ऑफ द रॉकेट यू देयर, लेट्स सी हियर एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द रिजल्ट इमीडिएटली एज़ सून एज़ पॉसिबल। हां जल्दी बोलो क्या बोल रहे हो, तब तक सब लोग वैल्यू रखे, इसमें हमेशा कांस्टेंट कैसे होगा सर, मतलब क्या चीज कांस्टेंट हैं, और गैस का वेलोसिटी फिक्स है तो सर वी रिलेटिव हमेशा चेंज होना चाहिए ना, वी नहीं, गैस तो गैस फ्यूल तो उसका ज्यादा है ही है, फ्यूल का अमाउंट बर्न होकर के वो निकल रहा है,
और वो मास भी वेरी कर रहा है ना, तो मास कैसे है, लॉगरिथमिक फंक्शन से ये डिक्रीज हो रहा है, ये लॉग का जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये लॉग लॉग कैसा फंक्शन होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एम नॉट बाई एम है, ये वाला पहलू बड़ी है, यानी लॉग एम बाई एम नॉट करें तो निगेटिव करेंगे तो ये लॉग का डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, और लॉग कैसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लॉग जेई सिलेबस में जितना भी पढ़ते हैं लॉग इज अ वेरी स्लो इंक्रीजिंग फंक्शन, लॉग क्या होता है बहुत ही सुस्त इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, धीरे धीरे मास खत्म हो रहा है उसका। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब जो रॉकेट का फ्यूल है वो 200 मीटर पर सेकंड से पीछे मूव हो रहा है, उसका फिक्स्ड वेलोसिटी, और सर रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ रहा है हर इंस्टेंट पे, तो सर वी रिलेटिव हमेशा 2000 कैसे हो सकते हैं, बढ़ते जाएगा ना, चेंज होता जाएगा ना, नहीं तो वो मास भी तो कम हो रहा है ना यार, यही तो मैं बता रहा हूँ, आप केवल वेलोसिटी को देख रहे हैं, फ्यूल का मास कम हो रहा है, फ्यूल का मास जो है रॉकेट के रॉकेट पर वेट डाला हुआ है ना, तो फ्यूल जैसे जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी तो चल रही है ठीक है, ये तो बॉयलर से जो है निकल रहा है, इसके जो भी इंजन से जो है इसका इससे फ्यूल निकल रहा है, तो फ्यूल कुछ निकल रहा है तो मास भी तो कम हो रहा है, यही तो मैं बता रहा हूँ, जब मास कम हो रहा है तो रॉकेट का लोड जो है ओवरऑल जो है उसका जो मास है वो कम हो रहा है ना, अरे रॉकेट के अंदर ही ना फ्यूल का मास है, तो जब वो मास कम होगा, यही तो पढ़े वेरिएबल मास सिस्टम, मास इज वेरिंग ना, सो एज मास इज वेरिंग सो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फ्यूल खत्म हो रहा है कम हो रहा है, और मास भी बढ़ता ही जा रही है उसकी, सॉरी मास कम होती जा रही है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और रॉकेट और तेजी से भागेगा ऊपर, और ये किस फंक्शन से हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन से हो रहा है, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये इसको इसकी वैल्यूज फिट करें भाई फटाफट, वी इक्वल टू जीरो माइनस जी टी क्या हुआ 600 हो जाएगा, और प्लस 2000 दैट इज ये वी टी हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात है, और एल एन ऑफ 1000 अपॉन दैट इज 400, यही है ना भाई, एम कितना हुआ, क्लियर है, क्लियर है भाई, वी की वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए भाई फटाफट, तो वी इक्वल टू कितना हुआ, डायरेक्ट कर दो 2000 इंटू एल एन ऑफ कितना हुआ है 4 2s 2.5, एल एन ऑफ 2.5 और माइनस 600, बस यही, और इसको वैल्यू निकाल लो तो 200, बस यही आंसर हो गया 200, अब इसको देखना पड़ेगा आपको लॉग वाले टेबल में जाना पड़ेगा भाई, लॉग ऑफ 2.2, अच्छा 600 है ना, तो अब निकाल सकते हो आप चाहो तो 200 अब निकल गया, और ये कितना हुआ, ये बच गया ना, ये 10 times of इससे बच गया एल एन टू, एल एन 2.5 राइट, और माइनस 3, इसको सॉल्व कर दो, नियरली एल एन 2.5 क्या होगा 0.91, फाइनल इसकी वैल्यू, सो एल एन 2.5 की वैल्यू कैलकुलेटर में 0.91, एल एन 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई 0.91, कैसे 100 बाई 4 ln of 100 by 4, आप ln 2 की वैल्यू क्या ले रहे हो, ln ये जान रहे हो कैसे करोगे, ln 100 की वैल्यू कितनी हो गई, ln 10 को भी तो बदलना, एक्चुअली 2. आप log बेस 10 ले रहे हो क्या, log बेस 10 नहीं लेंगे, log बेस ही लिया ना सर, log बेस नेचुरल लिया है सर, एक्चुअली ln 2 की वैल्यू 0.6932 होती है, ये समझ रहे हो, ये वाला लेना होगा, मैं 2.303 में 0.30102 वाला जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस 0.6932, तो नियरली ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 है ना, तो 9k हो जाएगा सर, हां सॉल्व करोगे तो फिर देख लो, अभी सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू बताओ, आई नो आंसर इसका तो है ऐसे यही आएगा, आप चेक कर लेना, नहीं आता तो बताना, आएगा आंसर 1232.6 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर दिया है, करके देखो आ रहा है, ठीक है भाई, अब एक छोटा टॉपिक इसमें बन गया था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अब मोमेंटम को कैसे कंजर्व कराएंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि आप लोग पढ़ते हैं ना फ्रिक्शन, तो मुझे ये इस तरह का क्वेश्चन करवाना था, जो है ये ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला जो प्रेजेंट था, ये फ्रिक्शन वाला जो प्रेजेंट था, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना सर, हां सर प्लीज, ये चलिए एक और क्लास लेना पड़ेगा, मतलब ठीक है, अगला क्लास हम लोग एक मांगी लेते हैं सर, और फिर रॉकेट प्रोपल्शन
थोड़ा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके डाउट भी पूछेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन भी हैं और वो टाइम डिपेंडेंस के भी क्वेश्चन हैं, और ये साथ में थोड़ा रॉकेट प्रोपल्शन भाई में हो है ना। मीनवाइल अभी आप लोगों को ये जो मॉड्यूल है अपना, इसके क्वेश्चन भी को भी कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, इसके क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लीजिए, और थोड़ा एक दो और सिचुएशंस भी हमको लेकर के चलना था तो फिर मैं मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। एक ये इस तरह का भी क्वेश्चन जो करवाया था मैं, आप देखें वेरिएबल मास सिस्टम के लिए मैं करवाया था ना, चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये वेरिएबल मास सिस्टम का जो प्रॉब्लम करवाया था आ गया, वेरिएबल मास सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया, अभी कराया था ना प्रॉब्लम आपको, नहीं कराया? अरे कहीं है, अभी वेरिएबल मास सिस्टम का प्रॉब्लम करवाया ना, तो उसमें मतलब जो है उसमें वो कार्ड पर जो है वो सैंड आ रहा है, अब वहाँ से निकल रहा है, उसका भी प्रॉब्लम कराना है, ठीक है उसी तरह का, तो ठीक है करिएगा। चलिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, हाँ आधा घंटा का बिल्कुल, ओके ओके ओके, हाँ यस प्लीज बोलिए सर, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ श्योर श्योर श्योर, यू विल गेट, यू विल गेट। और सर वो थ्रेड वाला भी सर एक क्वेश्चन अगले लेक्चर में बता देना। कौन सा थ्रेड? कौन सा वो थ्रेड और बॉल वाला? ये दिस वन, दिस वन। अच्छा ये क्या नहीं सुनना है? हाँ सर अगले लेक्चर में बता देना। चलेगा 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 चलेगा, ठीक है। हेलो सर, यस यस प्लीज बोलो बोलो सर। रॉकेट प्रोपल्शन वाला भी अगले बार बट थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर दीजिएगा। अरे क्या समझ में आया आप लोग, समझ नहीं आया क्या? रॉकेट प्रोपल्शन तो क्लियर किया ही आपने। नहीं सर उसी क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। अच्छा हम क्वेश्चन और करवा देंगे आपको, रॉकेट प्रोपल्शन के और करवा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो मास इन हो रहा है ना, मास आउट हो रहा है यहाँ से, तब कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आते हैं, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं जेई में। अगर यहाँ से सेगमेंट से क्वेश्चन आना हो वो भी एडवांस का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है रात को नहीं भरा होगा, सुबह भरा शायद, सुबह को रात को नहीं भरा था। Thank you.